अजय बाचलू के पास चलते हैं, जम्मू कश्मीर से, जहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। किस तरीके से देखा जाए वहां के सियासी पलक पर इस फैसले को? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में अभी परिसीमन हुआ है और एक सीट जो कि रजौरी और अनंतनाग की सीट है उसको मिक्स करके एक सीट बनाया गया है और कुल मिलाकर जम्मू में 2.5 सीटें और कश्मीर में 2.5 सीटें, ये कुल मिलाकर कह सकते हैं। अब जो पेच फंस रहा है वो सबसे ज़्यादा पेच फंस रहा है अनंतनाग रजौरी वाली सीट पर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सीट नहीं छोड़ना चाहती और PDP की वो स्ट्रांग होल्ड सीट है, पारंपरिक सीट है। तो ऐसे में क्या फार्मूला अपनाया जाए कि उस सीट पर जो है दोनों दलों में, दोनों जो क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो PDP जो अपना दावा कर रही है या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपना दावा कर रही है, उस पर क्या पेच आता है ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात अहम ये, मैं ये बता दूं कि कश्मीर में कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि वो कश्मीर से चुनाव लड़े, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट को देखते हुए कांग्रेस जो है कश्मीर की सभी सीटों को छोड़ रहा है और जम्मू की जो सीटें हैं, जो 2 सीटें 2.5 सीटें मैंने बताया, उस पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। अभी तक जो खाका जो आएगा वो उसके हिसाब से जो क्षेत्रीय दल हैं वो कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस जो है वो जम्मू में चुनाव लड़ेगी, लेकिन पेच यहां पर एक सीट पर फंस रहा है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बिल्कुल उसका प्रकाश कुमार का रुख करेंगे पटना, बिल्कुल कृष्णा ठाकुर का रुख करेंगे मुंबई से, और जम्मू कश्मीर की कंडीशन आपसे समझ ली। कृष्णा ठाकुर के पास आते हैं और वहां पर किस तरीके से गठबंधन को लेकर के कल जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी सब स्मूथ रहने वाला है? देखिए स्नेहलता, जहां पर एक तरफ पंजाब में कांग्रेस के लिए मामला फंसते हुए दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो ये मान के चला जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो है वो स्थिति काफ़ी क्लियर है। पहले ही जो महागठबंधन के जो घटक दल हैं कांग्रेस, NCP और शिवसेना, उन्होंने पहले ही ये तय कर दिया है कि लोकसभा का चुनाव वो साथ मिलकर लड़ेंगे। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन चर्चाओं का दौर जो है वो शुरू है और ये कयास लगाया जा रहा है कि 15 तारीख तक जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर कम से कम महाराष्ट्र में तो जो है बात फाइनल कर लिया जाएगा। NCP की जो सांसद हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने कल खुद इस बात को स्पष्ट किया है कि 15 तारीख तक महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर या इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र के प्रस्पेक्टिव से क्या कुछ किया जाना है उसको लेकर स्थिति क्लियर कर दी जाएगी। यहाँ पर पेच सिर्फ एक चीज को लेकर फंसा हुआ है, वो पेच है वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर। जो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी, उसको भी इंडिया गठबंधन में शामिल करने की कोशिश जो है वो लगातार तेज की जा रही है। ABP News, आपको रखे आगे।